नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है पंजाब एग्रोटेक चैनल में और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज हम आए हैं ग्राम बाकोनी, तहसील बदनापुर, जिला जालना, महाराष्ट्र। और हमारे साथ हैं किसान भाई दौलत राजगुरु, जिन्होंने रेनफोर्स पंजाब एग्रो का P990 बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेसर खरीदा है। और ये किसान भाई ने पिछली साल इसको खरीदा था, लगभग 4 फसलें इनसे निकाल चुके हैं इस थ्रेसर से और अप्रोक्सीमेट 200 घंटा चला चुके हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये थ्रेसर इनको कैसा लगा और ये इस थ्रेसर से ये कौन कौन सी फसलें निकाल चुके हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दौलत राजगुरु, हमारा गांव वाकुलनी, तालुका बदनापुर, डिस्ट्रिक्ट जालना। आपने ये रेनफोर्स का थ्रेसर P990 कब खरीदा था? मागच्या वर्षी घेतलो होतो मी ते। और इस थ्रेसर से आप कौन कौन सा फसलें निकाल चुके हैं? या मशीन ने मी सोयाबीन, गहू, हरभरा, बाजरी सर्व पीक काढून बघितली। अच्छा, मशीन एकदम व्यवस्थित चालतो। तो ये थ्रेसर से मतलब कैसी फसलें निकली आपको, आप अपना थोड़ा सा फीडबैक हमको दे। मशीन धान्य खूप साफ काढतं, काड्या वगैरे काही येत नाही। ट्रॅक्टर भी एकदम फ्री चालतो, ट्रॅक्टर वरती लोड वगैरे काही येत नाही। इसके मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा बताओ कैसा? मेंटेनेंस नहीं, मशीन ला मेंटेनेंस वगैरह आतापर्यंत मला काही आलेला नाही। अच्छा, हाँ, मशीन ला मेंटेनेंस फार कमी। तो इससे आप लगभग कितने घंटा चला चुके हैं इसको? मी याला 200 घंटे पर्यंत चालू, 200 घंटे के अप्रोक्सीमेट। हाँ, आप हाँ, लगभग इसको 200 घंटा चला चुके हैं। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि ये थ्रेसर कैसा है? मशीन खूप छान है, मशीन चालायला भी एकदम जबरदस्त है। अच्छा, माल खूप सुंदर काढतो ते। और यदि हम इसके ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो ये मतलब कैसा तेल खाता है? ट्रैक्टर एवरेज चांगला देतो, त्याच्यावरती लोड वरती नाही चालत, त्याच्यामुळे ट्रैक्टर नॉर्मलला जेवढे डिझेल लागतं तेवढे डिझेल मध्ये चालून जातो। अच्छा अच्छा, तो हम देखेंगे अगर जैसे कभी कभी किसान की गीली फसल आ जाती है तो फिर उसमें ये थ्रेसर निकाल देता है? हाँ, काढतो, ओल्या माल भी चांगला काढतो। अच्छा, वो उसमें फिर मतलब आराम से निकाल देता है? आराम से निकाल। और इस थ्रेसर के बारे में आप थोड़ा खासियत बताएं कि इस थ्रेसर को चलाने में आपको क्या क्या स्पेशल लगा, क्या क्या खास लगा इस थ्रेसर? मशीन मध्ये नवीन मध्ये म्हणलं तर एलिव्हेटर, याच्यामुळे दाणे आम्ही सरळ ट्रॉली मध्ये घेऊ शकतो, त्याच्यामुळे आमचं लेबरची बचत होते। आम्हाला 3 लेबर तरी कमी लागतात, याच्यामुळे आम्ही डायरेक्ट दाणे ट्रॉली मध्ये घेऊ शकतो। अच्छा, इस कुल मिलाके इस थ्रेसर में आपको मतलब लेबर की काफी बचत होती है। इसके एलिवेटर से आप सीधे दाना अपना ट्रॉली में निकाल सकते हैं, बैक टोकरी से दाना फीडिंग कर सकते हैं, जिससे काफी मतलब लेबर की बचत, लेबर कॉस्ट काफी कम हो जाती है। तो और इस थ्रेसर में आपको क्या मतलब खास लगा, जब आपने फसल निकाली होगी, थ्रेसिंग की होगी, तो मतलब इसमें क्या क्या दिखा जो सामान थ्रेसर से मतलब इसको थोड़ा अलग बनाता है? ये मशीन चालायला खूप सॉफ्ट चालते, हाइब्रेशन वगैरे काही करत नाही, आवाज भी जास्त करत नाही। मशीन बाकीच्या मशीन पेक्षा थोडा भुसा वगैरे व्यवस्थित टाकते, बाकीच्या मशीन फार हवा जास्त असल्यामुळे ते। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर देखा जाए तो इस थ्रेसर में मतलब इसका डिजाइन वगैरह कैसा लगा, कि आपको इसकी ऊंचाई वगैरह, कि ये इसकी ऊंचाई कंफर्टेबल है खेतों के लिए? हाँ, मशीन शेतात न्यायला भी खूप चांगला आहे, चिखलात वगैरे भी व्यवस्थित चालून जातो, हाईट असल्यामुळे मशीनला ट्रॅक्टरला भी काही लोड येणार जात नाही, शेतात न्यायला आणायला मशीन एकदम सोपा जातो। अच्छा, आणि इकडे पाठीमागे टोकरी लेबरला मटेरियल टाकायला भी खूप खाली असल्यामुळे टाकायला जास्त वेळ जात नाही, कमी लेबर मधील लेबरला जास्त वेळ काम करू शकते। या मशीन मध्ये मला परत एक चांगला अनुभव आला की बाकीच्या मशीनी सहज मध्ये पलटी होऊन जातात खालीवरती रस्त्यात, ही मशीन पलटी त्याचा तो प्रॉब्लेम नाही आहे, मशीन मध्ये चालायला एकदम सॉफ्ट चालून जाते, जिथून बाकीच्या मशीनी पलटी व्हायची भीती असते तिथून ही मशीन आरामशीर निघून जाते। अच्छा, मतलब ये मेळ पे या खेतो मे चक्रोडो पे चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, अदर मशीनों में पलटने का खतरा, पलटने का खतरा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये थ्रेसर खरीदा कहाँ से था? वो शिवतारा एग्रो जालना से। शिवतारा एग्रो जालना से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि दौलत राजगुरु ने हमें इस थ्रेसर के बारे में काफी जानकारी दिया, कि इनका जो थ्रेसर के बारे में अनुभव रहा, ये लगभग इस थ्रेसर को 200 घंटे चला चुके हैं और इससे बाजरा, सोयाबीन, गेहूं, चना जैसी फसलें निकाल चुके हैं। इन किसान भाई ने ये रेनफोर्स का P990 थ्रेसर शिवतारा एग्रो जालना से खरीदा। यदि कोई भी किसान भाई इस थ्रेसर को जालना डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ोस में
खरीदना चाहता है तो वो सितारा एग्रो इंडस्ट्री को कॉल कर सकता है। इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन की डिस्प्ले पर दिया गया है। और किसान भाइयों, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।